Hello, my dear students. I hope you might be all well in your homes. This is here your Diksha Miss, and today I am going to teach you a beautiful poem, Windows, written by Miss Maggie. Picture देख के आप समझ गए होंगे कि हम कौन सी poem आज पढ़ने वाले हैं. Students, जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी book जो है textbook English की Tulip series जो है 3 parts में डिवाइड है. प्रोज सेक्शन, शॉर्ट स्टोरी एंड पोइम. फर्स्ट प्रोज जो है आपको वो अर्चना मिस ने आपको पढ़ा दिया है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोइम सेक्शन एंड आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे योर फर्स्ट पोइम इन द बुक एट पेज नंबर 49, दैट इज विंडोज. स्टूडेंट्स, पहले हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने ये पोइम लिखी है. स्टूडेंट्स, वेस मैगी क्या है, एक ऑथर भी हैं और एक पोइट भी हैं. ठीक है, ये 1939 में स्कॉटलैंड में बॉर्न हुए हैं. ठीक है, ये एक स्कॉटिश पोइट हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये पोइम आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 49 पे है. सो Open your books at page number 49 and you will find this poem Windows and I will now read this poem to you aloud. So, you please listen to the poem carefully. ठीक है? On the way to my classroom, I walked down the long corridor past the hundreds of books. Their picture jackets, colorful and bright, each one a window onto worlds I have never visited. I can see elephants on a plane in Africa, a jet airliner cruising far above the white clouds, waterfalls, icebergs, and cavemen fighting a saber-tooth while the family cores in a cave. Such places, such worlds. Back in the class, there are windows. Looking onto a world I know well. I see the deserted playground, the grey November sky, rows of houses, and beyond these, the chimney of a closed down factory. I am always willing to take the register to the office or messages to other classrooms, for then I can walk down the long corridor and gaze once more through the book jacket windows onto worlds I have never visited. तो स्टूडेंट्स, पोइम में एक्चुअल में है क्या है आइए जानते हैं. ठीक है, किसके बारे में ये पोइम लिखी गई है. एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल पोइम है, आप समझेंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी. On the way to my classroom, I walk down the long corridor. Student, I here stands for the author who has written the poem. That is Wes Maggie. He is a student itself in this poem. Sorry, himself in this poem. On the way to my classroom, I walk down the long corridor past the hundreds of books, their picture jackets colorful and bright, each one a window onto world I have never visited. कहते हैं कि जब मैं क्लासरूम की तरफ जाता हूँ और मैं कॉरिडोर से गुजरता हूँ. कॉरिडोर क्या है, एक लॉन्ग पैसेज है बिल्डिंग का. ठीक है, क्या है कॉरिडोर, एक नॉर्मली गलीहारा. ठीक है, तो वहाँ से जब मैं गुज़रता हूँ कॉरिडोर के रास्ते से, तो मुझे क्या दिखता है, बहुत सारी हंड्रेड ऑफ बुक्स दिखती हैं. दे आर पिक्चर जैकेट्स. बच्चों, पिक्चर जैकेट्स क्या होती हैं, कवर पेज बुक्स का. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये है नोटबुक हमारे पास, इस पर कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनी हैं. तो वो कहते हैं कि जब मैं कॉरिडोर से गुज़रता हूँ, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स हम कॉरिडोर में देखते हैं कि नॉर्मली डोर्स होते हैं क्लासरूम्स के, और या तो क्या होती हैं, विंडोज़ होती हैं. तो यहाँ पे ये विंडोज़ क्या हैं, पर किसकी हैं, बुक्स की विंडोज़ हैं. हंड्रेड ऑफ बुक्स हैं जहाँ पे, और उन बुक्स के पिक्चर जैकेट्स कवर पेजेस पे क्या है, बहुत ही सुंदर सुंदर कलरफुल और ब्राइट क्या है,
पिक्चर्स हैं, ठीक है, ईच वन अ विंडो ऑन टू वर्ल्ड्स, ईच वन, हेयर ईच वन मीन्स ईच बुक, ठीक है, जो कि हर एक बुक जो है वो एक खिड़की है। किसके लिए खिड़की है? खिड़की से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, देखते हैं ना, तो खिड़की है जिससे क्या दिखता है, वर्ल्ड दिखता है, जो कि पहले कभी नहीं देखा होता है ऑथर ने, ठीक है। क्या देखते हैं वो? आई हैव नेवर विजिटेड, आई कैन सी एलिफेंट्स ऑन अ प्लेन इन अफ्रीका। उनको क्या दिखता है? एलिफेंट्स दिखते हैं अफ्रीका के प्लेन में। अ जेट एयरलाइनर क्रूजिंग होता है, बहुत ही हाई स्पीड से जाना, फॉर अबव द वाइट क्लाउड्स। जेट एयरलाइनर, जेट एयरक्राफ्ट, ठीक है, जो कि वाइट क्लाउड्स के ऊपर से बहुत तेज़ी से जाता हुआ, गुजरता हुआ दिखता है उनको। वाटरफॉल्स दिखते हैं, ठीक है, आइसबर्ग्स। आइसबर्ग्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये एक फ्लोटिंग सॉलिड पार्ट होता है आइस का, जो ओशंस में, समुंदर में क्या कर रहा होता है? फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। एंड केव मैन फाइटिंग अ सेबर टूथ। सेबर टूथ क्या है? एक वाइल्ड कैट है। क्या है? एक वाइल्ड कैट है। वाइल्ड कैट है, जंगली बिल्ली है, जिसके फ्रंट टू टूथ जो है वो कर्व्ड है, ठीक है। और उनको क्या दिखता है? एक केव मैन दिखता है, जो कि किससे लड़ रहा होता है? जंगली बिल्ली से लड़ रहा होता है, और जो उसकी फैमिली है, वाइल द फैमिली कॉर्स इन अ केव। कॉर्स होता है बच्चों, जब डर के मारे हमारी बॉडी जो है वो सिकुड़ जाती है ना, वैसा, ठीक है। तो उसकी फैमिली क्या है? जो डर के मारे केव में छिपी हुई है, वो दिखता है उनको, ठीक है। क्या देखते हैं वो क्लासरूम से? जब वो क्लासरूम की तरफ जाते हैं कॉरिडोर के रास्ते से, उनको बहुत सारी बुक्स दिखती हैं, और बुक्स के पिक्चर जैकेट्स पे, फ्रंट पेजेस पे, उनको एक ऐसा वर्ल्ड दिखता है जो उन्होंने पहले कभी विजिट नहीं किया होता है। लाइक ही सीज एलिफेंट्स जो कि अफ्रीका के प्लेन में हैं, ठीक है, जेट एयरलाइनर जो कि बादलों के ऊपर से जा रहा होता है, वाटरफॉल्स दिखते हैं, आइसबर्ग्स दिखते हैं, केव मैन दिखता है जो कि किससे? जंगली बिल्ली से लड़ रहा होता है, और उसकी फैमिली जो है केव में छुपी हुई होती है, ठीक है। सच प्लेसेस, सच वर्ल्ड्स, हेयर एक्सक्लेमेशन का साइन है बच्चों, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ऐसी दुनिया, ऐसी जगहें, ये एक्साइटिंग वे से बोला गया है कि वो बहुत एक्साइट हैं इन सारी पिक्चर्स को देखते हुए, क्योंकि ये उसको, उनको एक ऐसी दुनिया में ले गई हैं पिक्चर्स, एक ऐसी वर्ल्ड में ले गई हैं जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता है, ठीक है। बैक इन अ क्लास देर आर विंडोज लुकिंग ऑन टू अ वर्ल्ड आई नो वेल। यहाँ पे बहुत ही फॉर्मल वे में, ऐसे डल बोरिंग वे में बोला गया है कि बैक इन अ क्लास देर आर विंडोज। स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि क्लासरूम में भी विंडोज़ होती हैं, तो वो कहते हैं कि जब मैं क्लास में वापस पहुंचता हूं तो वहां पे भी विंडोज़ हैं, लेकिन वो मुझे एक ऐसा वर्ल्ड दिखा रही हैं जिस वर्ल्ड को, जिस दुनिया से मैं पहले से ही वाकिफ हूं, जो मैं पहले से ही उस दुनिया को जानता हूं, ठीक है। लाइक आई सी द डेजर्टेड प्लेग्राउंड। डेजर्टेड प्लेग्राउंड, डेजर्टेड मीन्स एम्प्टी, विदाउट एनी पीपल, जहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, वो प्लेग्राउंड दिखता है मुझे। देन ग्रे नवंबर स्काई। नवंबर की स्काई जो होती है वो ग्रे होती है, क्योंकि उस टाइम ठंड होती है, तो वो वहाँ पे बहुत सारे ब्लैक क्लाउड्स होते हैं, वैसी स्काई दिखती है। रोज ऑफ हाउसेस एंड बियॉन्ड दिस हाउसेस दिखते हैं, ठीक है, और हाउसेस के पीछे क्या दिखती है? चिमनी दिखती है उसको, एक किसकी? एक क्लोज डाउन फैक्ट्री की, उस फैक्ट्री की जो कि बहुत टाइम से बंद है, ठीक है। अब इस व्यू को देख के वो बहुत क्या हो जाते हैं? बोरिंग, डल फील करते हैं, क्योंकि इस दुनिया से वो पहले से ही वाकिफ होते हैं। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब भी हमें कोई नई जगह पे हम एक्सप्लोर करने जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हम सोचते हैं कैसी होगी, कैसी होगी, कितने एक्साइटेड होते हैं। तो जैसे ही हम नॉर्मली हमने कोई पुरानी जगह पे जाना होता है कि अच्छा ये जगह हमने पहले से देखी हुई है, तो कितना हम थोड़ा सा ऐसे बोर फील करते हैं कि हम उस जगह पे ही जा रहे हैं। लाइकवाइज स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है? दो विंडोज़ में कंपैरिजन किया गया है। कौन सी दो विंडोज़? एक क्लासरूम की विंडोज़, जो कि ऑथर को उस वर्ल्ड से वाकिफ कराती हैं जो पहले से उसने देखा हुआ है,
ठीक है। और एक दूसरी विंडो, कौन सी विंडो, जो बुक्स के फ्रंट पेजेस पे है, जो कि बहुत सारे डिफरेंट पिक्चर्स हैं जिसपे बनी हुई, और ऑथर को वो एक ऐसे वर्ल्ड में ले जाते हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखा होता है, ठीक है। आई एम ऑलवेज विलिंग टू टेक द रजिस्टर टू द ऑफिस और मैसेजेस टू द क्लास टू अदर क्लासरूम्स। पॉइंट कहते हैं कि मैं हमेशा विलिंग रहता हूँ कि मैं रजिस्टर ऑफिस में ले जाऊँ, या जैसे मैसेजेस पहुंचाना होता है दूसरे क्लासरूम तक, कोई भी मैसेज पहुंचाना होता है, तो मैं हमेशा विलिंग रहता हूँ कि टीचर जो है वो मुझे ही भेजे रजिस्टर लेने के लिए ऑफिस में, या क्लासरूम में, दूसरी क्लासरूम में मैसेज पहुंचाने के लिए। क्यों विलिंग रहता हूँ, आगे जानते हैं। फॉर देन आई कैन वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर एंड गेज वंस मोर थ्रू द बुक जैकेट विंडोज ऑन टू वॉल्स आई हैव नेवर विजिटेड। वो क्यों तत्पर रहते हैं जाने के लिए दूसरी क्लास में ऑथर, या कि दूसरे क्लासरूम में अगर मैसेज पहुँचाना हो तो क्यों रेडी रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, एक्साइटेड होते हैं, ताकि वो दोबारा से उस लॉन्ग कॉरिडोर से जा सकें और गेज होता है स्टूडेंट्स दोबारा किसी चीज़ को देखना, ठीक है। सरप्राइजिंगली टू गेज वंस मोर, दोबारा से देखना किसको, थ्रू द पिक्चर जैकेट विंडोज बुक के फ्रंट कवर की विंडोज से एक ऐसी दुनिया देखना दोबारा से जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होती है। डेट्स All about the poem, students. I hope कि आप ये सब को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने क्या करना है, ये poem जो है घर पे recite करनी है। कोई doubt होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। Okay, in the next lecture हम क्या करेंगे, question answers करेंगे। तब तक के लिए आप ये poem जो है अच्छे से understand करिए। Thank you, students.